तो हे गाइस, वेलकम बैक टू किट्टो ब्लॉग्स यूट्यूब चैनल। हैप्पी दिवाली। ये है छोटी हैप्पी दिवाली का। तो यहाँ पे गुरुजी द्वारा बताए गए हम पूजा की तैयारी कर रहे हैं। उन्होंने बताया था ये पूजा इसलिए होता है, जैसे बहुत सारे लोग जो कमाते हैं उनका पैसा दिखता नहीं है, मतलब समझ में नहीं आता इसका, तो उसके लिए बताए थे कि अगर ऐसी कुछ समस्या जिसको हो रही हो तो आप ये पूजा कर सकते हो, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने किया है। आप लोग देखते हो कि हम लोग मेहनत तो बहुत करते हैं, जैसे आपके लिए भी मैं बोल रहा हूँ, हम सब मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है कभी कभी कमाई होती है लेकिन वो पैसा कहाँ जा रहा है पता ही नहीं चलता है, खर्चे इतने बढ़ जाते हैं। तो इन सब चीज़ों के लिए एक उपाय किट रानी कर रही छोटी दिवाली वाले दिन। ये 5 दिन तक होगा। चलो अगर किसी कोई नहीं जानता होगा, अगर आप लोग बोलोगे तो फिर मैं इसका क्या बोलते हैं, इस फोटो ही लगा देती हूँ। चलो यहाँ पे ये मतलब कि नेक्स्ट टाइम से ध्यान दीजिएगा। वैसे आप ना प्रदीप मिश्रा जी के इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेंगे तो आपको क्या पता उनके सारे चीज़ों को धीरे धीरे पता चल जाएगा कि हाँ कैसे कैसे कौन सा दिन कैसे करना है। ये 5 दिन पूजा कंटिन्यू होगा, 5 दिन तक पूजा कंटिन्यू होगा। गिटुरानी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी इस पूजा के लिए। हाँ, और इस पूजा को करने के लिए मैंने पता है मुझे जल्दी जल्दी सारे चीज़ों को करना पड़ा, जैसा कि आप लोग पता है कि मेरे उस वाले रूम में वॉलपेपर लग रहा था, तो मैंने जल्दी जल्दी करके, और पता है पहली बार जब कोई चीज़ करो ना तो समझ में नहीं आता है, तो मैं बार बार वंदना जी से पूछ रही, क्योंकि उन्होंने धनतेरस वाले दिन कर लिया था, मेरा गैप हो गया था उस दिन, मेरा घर इतना फैला था कि मैं नहीं कर पाई थी उस दिन का पूजा। तो आज भी करूँगी, दिवाली का भी करूँगी और कल किए थे, तो आप लोग भी चाहो तो आप लोग भी कर सकते हो, ये तो हर लोगों के लिए ज़रूरी है। बाकी माँ लक्ष्मी आप लोगों के घर में धन की वर्षा करे, मेरा तो माँ से यही प्रार्थना है। आप सभी को आज हैप्पी दिवाली है तो हैप्पी दिवाली। बाकी आप लोग देख सकते हैं मैं किस तरह से पूजा कर रही हूँ, पहले ये पूजा कर लूँगी, फिर उसके बाद मैं सारे घरों में दिए जला करके घर को उजाला करूँगी और अपने घर को सजाऊँगी। तो किट्टो पूरे घर में अब दिया लगा रही हैं और आप लोग भी अपने घर में दिए जलाते ही होंगे, तो हमारा डेकोरेशंस कैसा लग रहा है कमेंट करके जरूर बताइएगा। भी हमारा सोफ़ा, आप लोग बोलोगे भैया सोफ़ा कहाँ गया, तो सोफ़ा हम लोग बनवाने के लिए दिए हुए हैं, सोफ़े का फैब्रिक वगैरह चेंज होगा, कुछ डिज़ाइन वगैरह पूरा ही समझ लो सोफ़ा एक प्रकार से हमारा नया ही हो गया, उसमें सब कुछ चेंज हो गया है, तो नया ही सोफ़ा है, अब नया सोफ़ा हमने ले लिया मान लो आप। और ये रंगोली हमने सजा दी है, रंगोली कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये रंगोली हमने मीशो से मंगाया था, जिसके बारे में हमने आपको प्रीवियस ब्लॉग्स में भी बताया है, अगर किसी को लेना है तो हमारी इंस्टा आईडी पे हमने डाल रखा वीडियो, आप जा करके क्लिक करके बाई कर सकते हैं। और यहाँ पर हर जगह दिए किट्टो रख रही थी, एक दिया रखना होता है पानी के नीचे तो वहाँ पर रख रही, अब हमारा सोफ़ा आ गया है, फाइनली हमारा सोफ़ा आ गया है। ये हाइट कम हो गई क्या इसकी? नहीं नहीं अपना लगाएंगे। अच्छा अभी लगेंगे, पैर लगाएंगे नहीं, चला करेंगे। अच्छा लग रहा है ना, कलर अच्छा लग रहा है, ये कराना है। आप देखो कितना दिक्कत आ रहा है बेटा, आपने क्या जी कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, बढ़िया है। आपको कैसा लग रहा है? पसंद है ना? बढ़िया है, ये बड़ा बढ़िया बना दिया। उसका पैर रह गया तो गाइस हमारा सोफा नया बन के आ गया, हमने नया सोफा, नया ही सोफा है। हाँ इतना सामान नया ही है, पूरा चेंज ही है एकदम से, ये सब डिजाइन हमने चेंज करवा दिया। अब इसकी अनबॉक्सिंग होगी। आ रहा है कुच्चा। बेटू मम्मा ने दूसरा सोफा ले लिया। स्लीपर बाहर, स्लीपर बाहर। ये रहेगा तो प्रतीक पापा ये बड़ा हो गया तो। हाँ। ये वाला। क्या बड़ा हो गया? ये एक ही रहेगा तब। ये उधर लगेगा ना? वो जो दो ऊपर है। क्या दो ऊपर है? हैंडल यार। तो उधर साइड था ना लगा हुआ। यहाँ से देखो। ये एक ही तो लगा था पहले। ये और लगा देते हैं। ना?
होने का तो हो जाएगा लेकिन पता नहीं दिमाग को। हां भैया ये वाला आपके दिमाग नहीं बताया कि ये के ए वहां पे लगता है तो ज्यादा अच्छा लगता है। ये वाला ये तो करना तो कोने में चला जाता है। हां कोने में होता है कोई दिक्कत नहीं। ये एक बच्चे लग रहा है पास। ये देखो अब सेट करिए पैर निकाल लो इसकी पैर निकाल के ड्रिल निकाल लो। यहां दिया तो नहीं रखा था ध्यान से भैया ने बोला कि 135 रुपए नहीं होगा। अगर आपको लेना है तो बताइए क्योंकि मैं अपने घर से नहीं दे रहा हूँ। देखो आपने मिठाई वाली मिठाई हमने कहीं ना कहीं से पैदा कर दी, हमारे नसीब में दी है। भैया एक इकट्ठा खा लो। अरे ये हम नहीं खाते ना, ये खाता मेरा बच्चा। बच्चा का ज्यादा नहीं, ये तो बड़ा हुआ है फूल लगा, कल ही आया डिब्बा। अद्दू नहीं है सो गाइस यहाँ पे वो भैया मतलब हमारे लिफ्ट के अंदर ये नहीं आ रहा है, इस पे ये लग रहा है। कृतिक को बहुत अच्छा लगा ये, मैंने बोला तो लिफ्ट के अंदर नहीं आता, पैर के साथ नहीं आ रहा। अपने सोफा का अनबॉक्सिंग करने और हम और मेरा बेटा मिल के करेंगे। देखो जैसा लग रहा है कैसे देख रहे हैं भैया, आप कैसे से लेके खा रहे हैं। अभी खोलो ना कि मैं ही अकेले मेहनत करूंगी कि आप भी मेहनत करो। बताओ आपने इतना मेहनत से इसको किले आए बताओ। और हम जहाँ तो पीछे वाली पन्नी गंदा नहीं होगा, दिखेगा ना। बहुत फेस दिख रहा है यार अब तो इसमें। लंबा चौड़ा भी हो गया है, उधर से भी लंबा हो गया ना। कैसा लगा आप लोग? भैया पी लो, देखो पी लो ये थोड़ा खिल के आ रहा है ना। ये गाइस इन्होंने भैया अपने मन से बनाया है, आप इधर से भी ले सकते हो और इधर से भी ले, दोनों तरफ डिजाइन है। तो एक मैं गोल्ड कर देती हूँ, एक मैं वैसे करती हूँ। आगे करते हैं ऐसे रखना है? नहीं नहीं इसकी साइड रखना है ना, दोनों तरफ का ऐसे ऐसे रखो ऐसे ना, ऐसे ऐसे रखो सिंपल ऐसे ऐसे रखो पास पास सारा है ना। उसको भी सही करो, अब सही है। मैं थोड़ा सा क्लीन करती हूं, बहुत गंदा लग रहा है। सही है, इनका कौन पास है? कोई गिरे नहीं बेटा, गिर जाओगे आप। खाइए भाई,
आपने काम बहुत अच्छा किया, काम अच्छा किया था मैं इसका, की नहीं कहती तो भी देती है। सोफा देख इधर से बड़ा किया उसको, इधर से। गुड मॉर्निंग इटरानी, क्या बना रहे हो? लेकिन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइएगा, दिन में दिखाते हैं आप लोगों को। कैसा लग रहा है यहाँ से? बहुत खूबसूरत लग रहा होगा सोफा आप लोगों को देखने। सोफा का रौनक ये लगा रहा है एकदम मस्त। आप खीरा यही सब फेंको, ये टमाटर फेंकता है। तो आप सभी को फिर से मैं बोलती हूँ, ऑन था तो चलिए हम इसको ऑन कर लेते हैं और हम इन्हीं शब्दों के साथ अपने इस ब्लॉग को एंड करते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करिएगा। हमारा सोफा बताइएगा कितने का, मैं तो बोलूँगी कि 1 लाख का है। आप लोग का देखते हैं आप लोग कितने गेस कर पाते हैं कि नहीं कितने का है। बाकी आप लोगों को फिर से हैप्पी दिवाली, आप लोगों को माता लक्ष्मी बहुत सारा तरक्की दे, बहुत सारा पैसा।